और इसके काटने के बाद ये बहुत दोस्तों मैं ट्रामा सेंटर लखनऊ रोड पे यहाँ आ चुके हैं। कोई स्नेक है जो कि देखा गया है, वहाँ से रेस्क्यू करना है। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहोगे, मैं तुरंत रेस्क्यू करके दिखाते हैं कि सर कौन सा आ रही है। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहोगे। सर एसी में है, ठीक है सर। दोस्तों ये कोबरा स्नेक है और इसका जहर जो है बहुत हाई होता है और काफी बड़ा भी है, और कायदे से लेने की कोशिश करेगा हमारा कैमरामैन। ये देखिए हाई पोजनस सर्प है और ये बहुत प्यारा है। हम सोचेंगे कि इसको सुरक्षित पूर्वक रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि ऐसा सर्प जब भी आपको दिखे तो दोस्तों मारना नहीं है, बचाना है। और दोस्तों हम हमेशा बचाने की ही सर्पों की कोशिश करते हैं। और इसने कुछ खाया पिया भी है लग रहा है। चलिए बाहर चलिए, आपको मारा नहीं जाएगा, आपको बचाने के लिए ही मैं कहां से कहां दौड़ के आ चुके हूं। क्या बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बाथरूम टॉयलेट सारा कुछ करेंगे। बहुत प्यारा लग रहा है। तो सर आपका नंबर तो हमने डिसाइड दिया ही था। ये क्या कर रहा है? ये टॉयलेट कर रहा है, लेट्रिन। डर के मारे? डर के मारे नहीं, क्योंकि सर्प का जो फितरत होती है वो यही होती है, जब भी उसको छेड़ोगे या पकड़ोगे तो ये सब करता ही है, क्योंकि ये डर का कारण भी है। तो दोस्तों सुरक्षित पूर्वक रेस्क्यू हो गया है और इन्होंने गंदा और पाइप भी पकड़ रखा है, हालांकि इन्होंने मारा नहीं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि जो आपका नंबर मेरे को अभी मिला है। अच्छा, तो जिन्होंने दिया वो यहाँ के इंचार्ज है, वो नंबर दिया मेरे को। अच्छा, ये बहुत प्यारा सर्प है, क्योंकि इसी की वजह से शायद हॉस्पिटल जी अगर ऐसे सर्प नहीं होंगे तो सारे हॉस्पिटल भी बंद हो जाएंगे। पूछे कैसे, शायद मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन जानकारी नहीं हूँ, क्योंकि इनके जहर से बहुत सी ऐसी दवाइयाँ जो सिर्फ इन्हीं के जहर से बन सकती हैं, अगर कोई चारा नहीं है ना। पानी भी गर्म किया था मैंने, नहीं पानी किसी बात तो ले ही चलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और ये बहुत सारा सर्प है, ये देखिए इसकी पुरस्कार जब भी किसी सर्प के साथ छेड़छाड़ होती है तो ऐसी फितरत करता है। इसका जहर जो है न्यूरोटॉक्सिक, और इसके काटने के बाद में 30 से 40 मिनट का समय भी होता है। अगर इससे ज़्यादा देरी करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जब भी ऐसा सर वाइट करे तो सीधे जिला अस्पताल ही जाए, किसी भी झाड़ फूँक या जड़ी के चक्कर में नहीं पड़े, ठीक है। तो इसको सुरक्षित पूर्वक रेस्क्यू हो गया, इसको लेके चलते हैं जंगल झाड़ियों में और इसको रिलीज करते हैं सुरक्षित पूर्वक। यहाँ सब ना छोड़िएगा, घोड़ी के दादा यहाँ छोड़ेंगे नहीं, इसको जंगल ही लेके जाएंगे। हाँ भाई, पेपर देखा हूँ। पुरस्कार हमारा नहीं, वैसे बहुत क्यूट लग रहा है ये, कुछ ज्यादा सुंदर लग रहा है। लाइए वो, यही कपड़ा ही दीजिए, जाओ 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 इसी में जाओ। अब आपको मारने के लिए नहीं, मैं बचाने के लिए आया हूँ। चलो जाओ।
तो देखिएगा ये सुरक्षित पूर्वक भेजवान रेस्क्यू हो गया। और जिन भाई साहब ने, जिन सर जी ने हमको कॉल किया जी जंतुओं को बचाने के लिए, उनसे भी आपका परिचय करवाते हैं। मैंने फ़ोन किया था। अच्छा, आपने फ़ोन किया जी। आपका शुभ नाम? सरस गुप्ता। सरस गुप्ता, ये जगह कौन सी है? ये 100 बेड हॉस्पिटल का आवासीय क्षेत्र है। अच्छा अच्छा, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं दिन में रात में। ठीक है दोस्तों, सुरक्षित पूर्वक ये कोबरा स्नेक जो रेस्क्यू हो गया है उसको जंगल झाड़ियों में छोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों ये झाड़ी है यहाँ पे और हम सोच रहे हैं कि इसको रात का समय है और रात में ही इसको रिलीज कर दिया जाए ताकि आराम से अपनी ज़िंदगी जिए जाके। दोस्तों ये इधर को जा रहा है। जाओ 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 जाओ, इधर ही चले जाओ, जाओ जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, भाग जाओ। ये देखो दोस्तों जा रहा है और आराम से जिएगा जाके। जा जा भाग जा जंगल, चल। दोस्तों ये जा चुका है, रात का समय है दोस्तों, उजाले की व्यवस्था हमारे पास ज़्यादा नहीं हो पाती है क्योंकि बेजुबान को बचाने का हमारा छोटा सा प्रयास है। जैसे कि देखा आपने ट्रामा सेंटर में, मैंने रात को ही रेस्क्यू किया और रात को ही रिलीज कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं बेजुबानों को कैद नहीं करना चाहता, उनको बचाना चाहता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है, जीव जंतुओं को बचाना ही मेरा उद्देश्य है, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शेयर जरूर करना चाहते हैं, बेजुबानों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो लोग भी बेजुबानों को बचा सके। जय हिंद जय भारत।